मूवी स्टार्ट होती है 12 साल की खोज से कॉल को एक बहुत ही डरपोक पर्चा दिखाया गया है। उसकी एक ही दोष होती है, मेले में इतना डरपोक होने की वजह से कॉल को हर कोई बोली करता रहता है। स्कूल के बाहर बोली करने वालों में और उसके में नियम होते हैं। जैमी खोलकर ने भी है इस सीन में भी उसको बोली कर रहे होते हैं कि कॉल की बेबी सिटर भी हमेशा की तरह कॉल को बचाने आती है और हम बच्चों को डरा कर भगा देती है। कॉनबी की बहुत अच्छी दोस्ती होती है और कोर्ट का भी पर क्रश भी होता है। भी कोर्ट को घर ड्रॉप करके चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कॉल के फादर ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं, लेकिन कॉल अपने डर की वजह से ड्राइव नहीं कर पाता। उसके फादर से समझाते हैं कि वह आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाना सीख जाएगा। अगले दिन स्कूल वको बताता है कि उसके पेरेंट्स रात होटल में गुजरात में जा रही है। यह मेलानी कॉल को कहती है कि बेबी सिटर अक्सर बच्चों को सुलाने के बाद पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। यकीनन बीबी ऐसा ही करती होगी। कोई डिसाइड करता है कि आज रात को जाकर देखेगा कि बीच क्या करती है। गुजरता है और रात का वक्त आता है। कॉन के पेरेंट्स उसे बी के पास छोड़कर चले जाते हैं। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद कॉल और भी बहुत एंजॉय करते हैं और फिर भी कहती है कि बहुत देर हो गई है, को अब सो जाना चाहिए। डील के शॉट्स ने जाने पर गोल्फर शॉट्स प्लांट में डाल देता है और भी के आने पर पिटेंट करता है कि शो के लिए है, अपने शो पी लेती है। को सोने का कहकर अपने रूम में आ जाता है और मालिनी को फेसटाइम करके सब कुछ बताता है कि कैसे और भी और उसके बॉयफ्रेंड बस करेगा। उसको भी के आने की आवाज आती है तो को वापस ले जाता है। पीयूष के रूप में आती है और पूछती है कि क्या स्त्री भी फीका रहा है। को यौन करता हुआ अपने आप उसने भी पोतरे करता है। भी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कौन से के दोस्ती की है। भी कोई को कहती है कि वह उससे बीएड होना पसंद करती है। फिर भी कॉल को गुड करती चली जाती है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पीतल की बुरी नहीं है। उसके जाते ही कोई दोबारा में लेने को मैसेज करने लग जाता है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद कॉल को डोर बेल की आवाज आती है और फिर कुछ लोगों के घर में आने की भी आवाज आती है। रूम से कॉल करता स्टेकेस तक आता है और छुपकर उन लोगों को देखने लग जाता है। वहां भी के फैंस मैक्स जॉन सोनिया शामिल सकल में बैठे क्रोध और देय खेल रहे होते हैं। कौन देखता है कि जब ग्रोथ देव के लिए बॉटल स्पेंड करने पर भी पर रुकती है तो देव चूज करती है, दे देता है कि उसे रूप में सबको किस करना है। भी बारी बारी सबको किस करती जाती है। आखिर में बारी आती है शामिल की। बहुत एस्टेट कर रहा होता है तो भी उसे रिलैक्स रहने का कहती है। जब रिलैक्स करता है तो भी उसे किस करती है। उसे किस करने के बाद भी शामिल के साथ में अचानक से दो नए को साथ देती है और बाकी फ्रेंड्स फैमिली के अंदर से निकलने वाला खून एक कई कप में कलेक्ट कर लेते हैं। इस सीट से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब दोस्त मिलके कुछ 97 रुचि और परफॉर्म कर रहे थे। समय उनका रिचुअल का एक सेक्रीफाइस था। छुपकर यह सब देखता कोई शॉक में आ जाता है। मैक्सवेल की बॉडी क्लॉक करता है और भी एक बहुत ही पुरानी सी बुक स्वीकारती है। चुप्पी के मुताबिक बेब्स की बाइबल होती है। जॉन पूछने पर वो बताती है कि बुक से फर्श पते हुए पेज पर ब्लड डालने से जो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। तब से भुगतान करती है और कहती है कि अब उन्हें कोर्स के पास जाना है ब्लड लेने, क्योंकि से को कंप्लीट करने के लिए उन्हें इनोसेंट बच्चे का खून भी चाहिए। कोलतार कर वहां से भागकर अपने रूम में आता है। पुलिस को कॉल कर देता है। कौन को बताता है कि उसकी लिविंग रूम में मत हुआ है और लोग अब उसके रूम में आ रही हैं। पुलिस ऑफिसर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कॉल को छुपने का कहते हैं। उनकी बातों और की बगैर अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने ड्रॉ से पाकर टाइप निकालता है। से नीचे देखता है कि कितना डिस्टेंस है। तभी उसे भी उसके फ्रेंड्स के उपरांत की आवाज आती है। कोई बैग में ले जाता है। पिटाई करता है कि वह सोया हुआ है। उस सब उसके रूम में आते हैं। पीएम को बताती है कि उसने कोई रख दिया है जिसकी वजह से अब नहीं उठेगा। यानी कि जो शॉट्स भी ने उस टाइम कोर्ट को दी थी उनमें ट्रक था। वो लोग एक तुरंत से उसका खून निकालते हैं। को लीडरशिप बहुत दृढ़ता होता है, लेकिन यहाँ वो बहुत मुश्किल से अपना दर्द छुपाता है। ब्लड लेने के बाद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब भी पाए जाने लगती है तो उसे फोन की विंडो खुली मिलती है। उसे शक हो जाता है और जैसे ही देर बाद उनकी आवाज सुनता है तो और पेट से उठता है और शीट को बांटकर रोप बनाता है और उसे गेंदों से बाहर फेंका है करने के लिए रेडी हो रहा होता है तो उसे ब्लड लॉस की वजह से चक्कर आ जाते हैं और को गिर जाता है। उसके पीछे पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। जब कॉल की आंख खुलती है तो भी के सारे फ्रेंड के सामने खड़े होते हैं जैसे बंधा होता है। भी कोर्ट से पूछ रही होती है कि उसने श्रॉच क्यों नहीं लिए। कि कोई उन बातों के दौरान पॉकेट तक निकाल टायरों का काटने की कोशिश करता है। उससे पूछती है कि उसने और क्या देखा है। कोई जवाब नहीं देता और आग से कुछ सवाल करता है। उसे बताती है कि पीछे मिरर पड़ा है जिसमें उन्हें देख रहा है कि वह रूप काट कर रहा है। यह पता चलने के बावजूद को लोग काटता रहता है और अपनी बातों में फंसा कर यह प्रेम करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वह भाग रहा था क्योंकि उन्होंने का खोल लिया था। भी उसका यकीन करती है। उससे कहती है कि उन्होंने साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसका ब्लड लिया था और उससे कहता है कि अगर ब्लड मांगती तो वो खुद उससे ब्लड भी। उसको कहती है कि वह कोर्ट को डराना नहीं चाहती थी इसलिए ने के नहीं किया। भी सोनिया को कॉल को अंत करने का ऑर्डर देती है। दुनिया कोर्ट की रोक खोलने आगे बढ़ती है कि पुलिस वहां जाती कोयल की आवाज सुनकर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होते हैं और अपनी गन इन लोगों की तरफ पॉइंट रखते हैं। मार्क्स अपने हाथ में पकड़ी रॉड पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंकता है। इसी सब में आलस्य को चश्मा लग जाती है
और दूसरा ऑफिसर का भी गला काट देती है। पुलिस ऑफिसर्स की वॉकी टॉकी वहीं गिर जाती है। उस नड्डा का परमोनिटर कहते हैं पुलिस की आवाज जाती है जो कोच में सिचुएशन पूछता है। भी को पता होता है कि कौन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, इससे उसे पुलिस को पता है। भी कोर्ट से कोर्ट पूछती है तो वो गलत बताता है। उसे कहती है कि उसे पता है कौन झूठ बोल रहा है। कोच बताने पर फोर्स करती है तो वो डरकर को बता देता है। मैक्स वॉकी टॉकी में कोर्ट बोलता है तो पुलिस वालों को तसल्ली हो जाती है और ये सब काम हो जाते हैं। तभी शॉट हुए एलिसन लड़ा देती है जिससे अब सबकी अटेंशन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वहीं बैठी वाइन कर रही होती है कि कोल्ड डिस्ट्रक्शन को यूज करते हुए अपनी रोड्स काटता है से भागना शुरू कर देता है। उसको भागता देखकर जॉन उसको पकड़ने उसके पीछे जाता है। गोल्ड स्ट्रेस चढ़ता अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और जॉन उसके पीछे आ रहा होता है। जब कोई उठता है और जॉन कुछ तैसे पोस्ट करता है, जॉन कटवाई कार पर पांव आने से स्टेयरकेस से नीचे गिर जाता है और कॉल की ट्रॉफी उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। भी कोई को पकड़ ने का कहती है। तब अब मैक्स उसके पीछे आका है को जल्दी से अपने रूम में आता है और डोर लॉक कर लेता है। मैक्स ढोल बजाता रहता है। कोई शीट से बनी रोप के जरिए विंडो से निकलकर नीचे उतारा होता है कि मैक्स विंडो के पास आ जाता है। मैक्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो कॉल ड्रॉप छोड़कर नीचे को गिर जाता है। रोप छोड़कर घर से निकलकर कौन के पीछे आता है। नीचे गिरा हुआ कोड मैक्स के आने से पहले ही जल्दी से उठता है और गैराज में गाड़ी के नीचे छुप जाता है। मैक्स गैराज में आता है तो कोई का न मिलने पर को नेबरहुड में कोड को ढूंढने निकल जाता है। खोलकर से अपने आप उसे रखने के लिए ब्लैंकेट बॉक्स में लाइटर रॉकेट और ड्रिल लेता है। कोई सब लेकर क्रॉल स्पेस में चला जाता का स्पेशल बहुत ज्यादा स्पाइडर होते हैं। कौन से बचता हुआ चीजों में छुपता है और ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। सोनिया वहां जाती है। क्रॉल स्पेस की कुंडली देखकर अंदाजा लगा दिए कोई नहीं छुपा हुआ है। सोनिया टॉस लेकर क्रॉल के अंदर आती है और क्रॉल को ढूंढने लग जाती है। इस प्लांट के नीचे को छुपा होता है, उसके ऊपर एक स्पाइडर खोल कर रहा होता। स्पाइडर को प्यार करती है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। क्रॉल स्पाइडर से डर कसक क्लिक करता है तो वह खराब से मार जाता है। चाप किसने की आवाज सुनकर सोनिया कॉल की तरफ देखती है और नाइक लेकर उसके पास आती जाती है। को डरते हुए रॉकेट निकालता है और से लाइट करके सोनिया की तरफ भेजता है, लेकिन रॉकेट सोनिया को मिस करता मिट्टी में स्टाक हो जाता है। कोई जल्दी से प्लांट से निकलता है तो सोनिया के हाथ से नाइक की जाती है और उसके हाथ साफ सफाई जाते हैं। को जल्दी से वहां से निकलता है और बिल को वापस जुल कर देता है। सोनिया बिल के पास आती है तो कोल उस पर बॉक्स पे करता है। अंदर पड़ा रॉकेट पार पकड़ता है तो ब्लास्ट होता है जिससे कोल दूर जाकर गिरता है। जबकि एक्सप्रेस में आग लग जाती है, कौन वहीं जमीन पर गिरा होता है। जब उसे पीछे से क्राफ्टिंग करता मैक्स आता दिखाई देता है। मैक्स उसको अप्रिशिएट करता है और कौन को हेड स्टॉट देता है। कॉल उसको बॉक्स पी की बोतल मारता है, वहां से भागना शुरू कर देता है। कोई भी की बताई टेक्निक याद करता है और भागते भागते रुकता है तो मैक्स उससे टकरा कर गिर जाता है। कॉल उसको हिट करता है, वह गुस्से में कॉल को गर्दन से उठाता है। इसी दौरान उसे एक्स की आवाजें आती है। मैक्स कूल को अपने साथ लेकर घर के पोर्च पर जाता है। कॉल को इनकालेज करता है कि जल में उसके घर पर एक्स फैन है। कोई को उसे सबक सिखाना चाहिए। कोई रिटायरमेंट में के पास जाता है और जेरेमी को मूवी के डायलॉग्स को टायर है की कोशिश करता है लेकिन खुद गिर जाता है और जेरेमी को बताता है कि घर के पास एक शख्स खड़ा देख रहा है और वो उसे मारना चाहता है। कौन उसे हेल्थ मांगता है, चाहे में इसके साथ सिमटती शो करता है। उसे फ्री किक आउट पर अपने साथ भागने का कहता है। चेयरमैन थ्री तक आउट करता है लेकिन भागने के बजाय को खोल के साथ पर एक तोड़कर उसका मजाक उड़ाता ऑफिस चला जाता है। अब मार्क्स के पास आता है, मैं उसको उठाता है और कार्ड प्रिंट होने के लिए कार्य करता है। कौन पूछता है कि क्या अब उसे जाने देगा। इस मैक्स कहता है कि उसे बस लोगों को मारने की ख्वाहिश है, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता। उसका हित करके ट्री हाउस के ऊपर भाग जाता है, उस देश को काट देता है। मैक्स खिचड़ी की शक्ल करता है और कोल का मजाक उड़ाता रहता है। फ्री के दोनों साइड्स पर रोक बंदी होती है। को नीचे जाने का रास्ता टूटा हुआ रोक को देखता है तो उसकी तरफ जाम करने लगता है, जबकि मैक्स दूसरों पर चढ़ता उसके सामने आ जाता है। माँ के मुंह पर लगा एक साफ करता है लेकिन वह एक उसके अपने हाथों को लग जाता है तो आगे बढ़ता है और को का दर्द से पकड़ता है। तभी उनकी नीचे से वो टूटती है। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन हाथ पर एक लगे होने की वजह से को स्लिप हो जाता है और वो रोब उसे गले में फंस जाती है और वह मर जाता है। जबकि कॉल नीचे गिर जाता है, फ्री हैंड बॉडी को देख रहा होता है कि भी उसकी तरफ से फायर करती है। उतरते हुए वहां से भागता है। हर कोई चाहता है तो मालिनी को सब कुछ बताता है। मैं लीडर्स को यकीन करती है। तभी वहां भी कॉल को ढूंढते हुए आ जाती है और मेले में से माफी मांगता है कि उसने अपने साथ उसे भी इस प्रॉब्लम में डाल दिया। को मेले में को पुलिस को कॉल करके को बताने का है। यह सब कहकर कुंभ मेले को छोड़कर घर से बाहर जाता है और जोर शोर से भी को बुलाता है। जब कोई नहीं आया था तो अपने घर चला जाता है। उधर को यह देखकर हैरान हो जाता है, घर में किसी भी एक्टिविटी के निशान तक नहीं होता, घर पूरा साफ होता है। मैं आता है तो चेयर पर अपहरण मरी हुई बैठी होती है और उसको चेक करता है लेकिन कुछ गया न पाकर किचन काउंटर पर पड़ी केवल बाइबल की तरफ बढ़ता है। कौन बुक खोलकर देख रहा होता है कि आलस और उस प्रकृति नीचे गिरती है, उसको मारने लग जाती है। कोई उसकी वोट को टच करता है तो वह से दूर हो जाती है। कोई को पाते
सुनाती है और पूरा कहती है और नाइफ लेकर फिर कोई के करीब आती है तो कॉन्स्टॉप लाइटर निकालकर अल हसन को डराने की कोशिश करता है। तब बीबी को शूट करती है और उसके सर पर ब्लास्ट कर देती है। कोई बहुत समझदारी से काउंटर पर पड़ी उठा लेता है और बी को ट्रैक करता है कि वह उसे जला देगा। कौन गुस्से में उससे पूछता है कि यह सब क्यों कर रहे थे। बी उसे बताती है कि सैक्रिफाइस एंडरसन का प्लाट मिलाकर बुक पर डाला जाए और 7 वर्ष परिचय तो हर हाउस पूरी हो जाती है। यह भी बताती है कि वो कोल की तरह की बच्ची थी और उसने कॉल रेट होने के लिए देवर से तेल की थी। कोई बताता है कि उसने उनकी बातें सुनी थी और उसका पता है कि भी कोई को पास अपने ने यूज कर रही थी। वो सब पूछता है कि क्या वो पहला बच्चा ही। भी बताती है कि वह हर दफा टाउन चेंज करके कोल जैसे बच्चों को ढूंढकर उनकी बेबीसिटिंग करती है और फिर उनका लाभ ले लेती है। भी उसको कहती है कि वह उसके साथ मिल सकता है और लोगों को यह कैसा सकता है कि पास क्यों पर किया था और भी की बात सुनकर है करता है। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद भी को बुक थे, लेकिन वह बुक को लाइटर से आग लगाकर पर फेंक देता है। भी बुक की तरफ बढ़ती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। उसको डिस्ट्रिक्ट देखकर कोई बाहर जाता है और लेने के फादर की कार लेकर आता है और होकर अपने घर में घुसा देता है। और भी उसके नीचे आ जाती है और फिर कार से निकलता है और जख्मी भी के पास आता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वहाँ वो दोनों इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। वहाँ मर जाती है और उसको छोड़ छोड़कर बाहर आ जाता है। अब तक पुलिस और कोर्ट के पैर आ जाते हैं। कोर्ट के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है और उनकी सवाल के जवाब दिए बगैर कहता है उसका बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इस सारे नारी में कौन बहुत हद तक अपने सब पीयूष को काम कर लिया था, जैसे कि सिरिंज पर स्पाइडर का सच्चा। वीके पोस्ट गेट से में भी एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करते दिखाई जाती है, जिससे हम यह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भी मरी नहीं थी।